हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आप देख सकते हैं ये एरर, नो बूट डिवाइस फाउंड, प्रेस एनी की टू रिबूट द मशीन। अगर आपके पास ये सेम एरर है तो ये वीडियो आपके लिए। फिर मैं बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से ये एरर आपको फिक्स करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपना बूट की आपको पता होना चाहिए, बायोस की बोलते हैं जिसको, बायोस में जाना है हमने, क्योंकि ये एरर को फिक्स करने के लिए बायोस में जाना जरूरी है। अगर आप डेल का लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो F2 आपको कंटिन्यूसली दबाना है। अगर आप HP का लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो F10 आपको प्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आपको इस एरर को फिक्स करने के लिए कंट्रोल और डिलीट का बटन एक साथ दबाना है, या फिर आप अपनी मशीन को शट डाउन कर सकते हैं फोर्सफुली। 15 सेकेंड तक पावर की को दबा के रखना है। तो पावर की हम दबाते हैं, ये पावर की है, इसको मैं दबाता हूँ यहाँ से 15 सेकंड तक। प्रॉपर तरीके से आपको इसको शट डाउन कर देना है। तो ये यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से शट डाउन हो चुका है। अब आपको इसको ऑन करना है यहाँ पर, और जैसे ही ऑन होगा F2 आपको प्रेस करना है कंटिन्यूअसली इस तरीके से। गैप नहीं आना चाहिए, फटाफट आपको इस तरीके से। ओके, अब बायोस में आ चुके हम। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जनरल टैब इस तरीके से दिखेगा ऑप्शन, तो आपको इसको एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, जैसे ही एक्सपेंड करेंगे आप इसको, तो आपको यहाँ पर बूट सीक्वेंस में जाना है। ये देख सकते हैं बूट सीक्वेंस में मेक श्योर आपको करना है, ये देख सकते हैं डिस्क ट्रेबल ड्राइव यहाँ पर सेलेक्ट हो रखा है, बट आपको यहाँ पर इंटरनल SSD ड्राइव ये सेलेक्ट करके अप करना है। इंटरनल मीन्स जो आपकी हार्ड ड्राइव या फिर SSD है। ओके, इसको आप जैसे ही करेंगे यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करके यहाँ से नीचे आ जाना आपको, और यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, उसके बाद साटा ऑपरेशन पर जाना आपको, और मेक श्योर कि ASCII आपके सिस्टम में सेलेक्टेड हो, क्योंकि साटा ऑपरेशन को ASCII सपोर्ट करता है। ये चूज करना आपको, अप्लाई कर देना है। ओके, जैसे ये करेंगे आप, आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना, एग्जिट कर लेना है। और अब हम देखते हैं बूट हो रहा नहीं हो रहा सिस्टम। फिर मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगा अगर इससे रिजॉल्व नहीं हो जाता आपका इशू। तो वेट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो सेम एरर है यहाँ पर अभी तक। तो मैं कंट्रोल ऑल डिलीट दबाता हूँ फिर से, और फिर से हम जाते हैं बायोस में। अब हम इसका बायोस का मोड चेंज कर देंगे, पहले ये लेगेसी बूट था, तो अब हम इसको सिक्योर बूट से, लेगेसी बूट से UEFI मोड कर देंगे। तो बूट सीक्वेंस में जाना आपको फिर से, ठीक है, और UEFI आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से ये, और यहाँ से अप्लाई कर लेना। ये भी देख सकते हैं आप, पहले यहाँ पर आपके हार्ड ड्राइव दिखनी चाहिए, विंडोज बूट मैनेजर भी आ रहा होगा आपके पास, तो वो भी ठीक है। और हार्ड ड्राइव यहाँ पर वेस्टर्न डिजिटल की मेरे पास, और दूसरे में आपको जो भी ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके रखना है, और नहीं है तो कोई नो इशू, अप्लाई कर देना आपको इस तरीके से। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से सीधा एग्जिट कर लेना। एग्जिट आप जैसे ही करेंगे, हमने ये लेगेसी से UEFI मोड पर सेलेक्ट कर दिया, एग्जिट करते हैं यहाँ से अप्लाई करने के बाद। और अब हमारा सिस्टम यहाँ से बूट हो जाना चाहिए, क्योंकि हार्ड ड्राइव भी शो कर रही है, हमने चेंज कर दिया उसका बायोस मोड। और देख सकते हैं आप यहाँ पर विंडोज लोड होने स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आपका भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ से भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है, तीसरे स्टेप पर चलते हैं हम। तीसरे स्टेप में हमने लोड डिफॉल्ट्स करना है, ताकि जो भी यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग आती है आपकी मशीन के साथ वो इनेबल हो सके। तो मैं यहाँ से उसको शटडाउन कर, ये रीस्टार्ट पर लगा देता हूँ अपनी मशीन को, रीस्टार्ट, और फिर से F10 में, F2 में प्रेस करूँगा कंटिन्यूअसली।
F2 में यहाँ से प्रेस करूँगा कंटिन्यूसली, ओके इस तरीके से। फिर से BIOS में जाते हैं। अब आपको यहाँ पर लोड डिफॉल्ट्स कर देना है, ये वाला जो ऑप्शन है लोड डिफॉल्ट करके एग्जिट कर देना आपको, ओके। अगर इन केस लोड डिफॉल्ट से भी यहाँ से सेटिंग इनेबल नहीं होती है या फिर आप UEFI को चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो UEFI को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये अगर ग्रे आउट है यहाँ से ऑप्शन, ये UEFI सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एडवांस ऑप्शन में जाना है और ये जो इनेबल लेगेसी ऑप्शन रोम है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद सिक्योर बूट पर जाना है और ये भी यहाँ से इनेबल कर देना है, ठीक है। सिक्योर बूट यहाँ से इनेबल कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ से जैसे ही आप यहाँ से लोड डिफॉल्ट करेंगे, लोड डिफॉल्ट ऑल सिस्टम ओके, और यहाँ से उसके बाद एग्जिट कर देना, तो यहाँ से भी आपका इशू सॉल्व हो जाएगा लोड डिफॉल्ट करके। तो तीन स्टेप्स बता दिए दोस्तों मैंने आपको, आपका इशू यहाँ से सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपका इशू सॉल्व हो गया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना सपोर्ट बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपका इश्यू सॉल्व हो गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आपका इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।